अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेंजर में 2022 में एज सिविलियन बहुत सी सीट्स आ चुकी हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी लास्ट डेट क्या है और आप उसमें किस तरह से अप्लाई करेंगे और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो गूगल को ऑन करना है और यहाँ पर सर्च कर देना है स्मार्ट जॉब्स पीके और इसको क्लिक कर देना। तो पहले नंबर पर आ जाएगा स्मार्ट जॉब्स पीके, इस पर क्लिक कर दें तो आपके सामने इसकी वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले ही नंबर पर आ जाएगा पाकिस्तान रेंजर्स सिविलियन जॉब्स 2022, इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आप इसकी सारी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। इसमें जो पोजीशंस हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो उसकी बात करें तो उसमें पहले नंबर पर कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्वीपर है, ड्राफ्ट्समैन है, ड्राइवर है, कारपेंटर है, पेंटर है, मासून है, कुक है, माली है, वार्ड बॉय, एसी टेक्नीशियन है, लिफ्ट ऑपरेटर है, बायोमेडिकल टेक्नीशियन है, डिश वाशर है, मिस वेटर है और लेडी सर्चर है और वाशरमैन है। इसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं इसके बारे में और नीचे जाएँ तो और इसमें आपको जो बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएंगी इसमें वो भी बहुत ज़्यादा हैं और आप वो भी रीड कर सकते हैं। तो नीचे आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि वो कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं तो पहले नंबर पर आए जाएंगे डाइटियन है, इसमें बीएससी होना लाजमी है और इसमें उम्र जो है वो 35 साल से कम होनी चाहिए। बाद में आया है बायोमेडिकल टेक्नीशियन, इसमें डिप्लोमा इन बायोमेडिकल होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी जो एज लिमिट है वो 35 साल से कम होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्लर्क की, क्लर्क में एफ़ और एफ़ एस सी कंप्यूटर एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, उसमें भी 35 साल तक उम्र होनी चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं ड्राइवर की, इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए और विद वैलिड LTV लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इसमें 40 साल तक उम्र होनी चाहिए। बाद में बात करते हैं मिस वेटर की, इसमें मैट्रिक पास होना लाजमी है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना लाजमी, इसमें 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोक्स की, कोक्स में मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग होना चाहिए, इसमें जो एज लिमिट है वो 35 साल तक होनी चाहिए। वाशरमैन की बात करें तो इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें भी एज लिमिट है वो 35 साल तक है। उसके बाद बात करते हैं लिफ्ट ऑपरेटर की, लिफ्ट ऑपरेटर में मैट्रिक पास होना लाजमी और उसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है और इसकी जो एज लिमिट है वो भी 35 साल तक होना चाहिए। पेंटर की बात करें तो इसमें उसका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसकी एज लिमिट जो है वो 40 साल तक होनी चाहिए। एसी टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें मैट्रिक पास होना लाजमी है और उसमें जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का हो और उसकी भी एज लिमिट जो है वो 35 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कारपेंटर की, उसकी भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम में, उसकी भी एज लिमिट जो है वो 35 साल तक होनी चाहिए। मसून की बात करें तो इसके मिनिमम 5 साल का इस वो का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और 35 साल तक उम्र लाजमी है। वेल्डर की बात करें तो इसमें मिनिमम 5 साल का इसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसकी भी उम्र 35 साल तक है। उसके बाद बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसके लिए FA और FSC विद कंप्यूटर क्वालिफिकेशन 2 और 2 साल का तजर्बा होना लाजमी, इसमें एज लिमिट जो है वो 25 साल तक होनी लाजमी है। उसके बाद बात करते हैं वार्ड बॉय की, इसमें इसमें उसकी जो 8 क्लास होना लाजमी है और उसकी भी एज लिमिट जो है वो 25 साल तक होना चाहिए। आयास की बात करें तो इसमें भी 8 क्लास तक पढ़ा होना लाजमी, एज लिमिट जो है 25 साल तक होनी चाहिए। लेडी सर्चर की बात करें तो इसमें मिडिल पास होना लाजमी और 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी लाजमी, इसमें भी एज लिमिट जो है वो 30 साल तक है। इसके बाद बात करते हैं स्वीपर की, मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए, एज लिमिट जो है 25 साल तक होनी चाहिए। प्लम्बर की बात करें तो मिडिल पास होना लाजमी है, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना लाजमी है। मालिक की बात करें तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 25 साल तक उम्र होनी चाहिए। डिश वाशर की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो 25 साल तक होनी चाहिए। इसमें आप बाय डॉक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका नीचे आप एड्रेस दे सकते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट पंजाब रेंजर्स टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर, इसमें आप बाय डॉक इसको भेज सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। शुक्रिया।